आज पीजीडीसी की जूम क्लास के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे डेट इज द डाटाबेस लैंग्वेज। तो ये डाटाबेस लैंग्वेज आपके पास क्या होता है? ए डीबीएमएस हैज एप्रोप्रिएट लैंग्वेजेस एंड इंटरफेसेस टू एक्सप्रेस डाटाबेस क्वेरीज एंड अपडेटेड। तो डीबीएमएस के पास क्या होता है, डिफरेंट आपके पास लैंग्वेजेस होती हैं, इंटरफेसेस होती हैं, जिसकी हेल्प से हम क्वेरीज को और डाटाबेस को हम अपडेट करते हैं। डाटाबेस लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड टू, डाटाबेस लैंग्वेजेस का हम यूज किस लिए करते हैं, कैन बी यूज्ड टू रीड स्टोर एंड अपडेट द डाटा। कि अगर आपने डाटा को रीड करना है, स्टोर करना है और अपडेट करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डाटाबेस लैंग्वेज, तो डाटाबेस लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं? जैसे आपके पास डीडीएल हो गई, डीसीएल हो गई, डीएमएल हो गई और टीसीएल हो गई। एग्जाम के अंदर इसकी फुल फॉर्म आ जाती है आपके पास। जैसे सबसे पहले आपके पास आती है इसके अंदर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है आपके पास? डीडीएल की फुल फॉर्म क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और ये हम किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज टू डिफाइन डाटाबेस स्ट्रक्चर। अगर हमें डाटाबेस स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, ठीक है। इट इज यूज टू क्रिएट स्कीमा। अगर हमें स्कीमा क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है, इंडेक्सेस क्रिएट करने हैं, कंस्ट्रेंट क्रिएट करने हैं डाटाबेस के अंदर। और डीडीएल स्टेटमेंट की हेल्प से ही आप स्केलेटन भी डाटाबेस का आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, ठीक है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज हम किस लिए करते हैं? मेटा डाटा की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। मेटा डाटा का मतलब क्या होता है? देखिए, ये जो आपके पास एक कंसेप्ट है मेटा डाटा, डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा। अगर हमें डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो हम इसमें डीडीएल का हम यूज करते हैं। अब ये डीडीएल कमांड कौन कौन सी होती है? एग्जाम के अंदर ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि विच आर डीडीएल कमांड्स। तो डीडीएल कमांड्स कौन कौन सी होती है? इसमें सबसे पहले तो होती है आपके पास क्रिएट। क्रिएट हम किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन द डाटाबेस। डाटाबेस में ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कमांड यूज करते हैं। नेक्स्ट आती है आपके पास ऑल्टर। ऑल्टर हम किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस। अगर हमें डाटाबेस के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करना है, ऑल्ट्रेशन करनी है, तो हम ऑल्टर कमांड यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आती है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड हम किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज टू डिलीट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द डाटाबेस। अगर मैं डाटाबेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहता हूं तो हम ड्रॉप कमांड यूज करते हैं। ट्रंकेट। ट्रंकेट हम किस लिए यूज करते हैं? अगर मैं टेबल से जितने भी हमारे पास टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स हैं, सारे के सारे वो मुझे खत्म करने हैं, रिमूव करने हैं, तो हम ट्रंकेट कमांड यूज करते हैं। रीनेम। रीनेम का मतलब क्या होता है? अगर हमें ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करना है तो हम रीनेम कमांड यूज करते हैं। कमेंट। इट इज यूज टू कमेंट ऑन द डाटा डिक्शनरी। अगर आप डाटा डिक्शनरी के ऊपर कोई भी कमेंट करना चाहते हो तो हम कमेंट कमांड यूज करेंगे। तो डीडीएल कमांड्स कौन कौन सी हो गई आपके पास? क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम और कमेंट, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपके पास आता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल। इट इज यूज फॉर असेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा। अगर आप डाटा बेस के अंदर आप किसी डाटा में कुछ मैनिपुलेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो हम डीएमएल कमांड्स का हम यूज करते हैं। तो ये कौन कौन सी कमांड्स होती हैं आपके पास? जैसे सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट हम किस लिए यूज करते हैं? डाटा बेस से डाटा को रिट्रीव करने के लिए। इंसर्ट कमांड हो गई। इट इज यूज इंसर्ट डाटा। अगर हम टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं। अपडेट कमांड हो गई। अपडेट का मतलब क्या होता है? इट इज यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग डाटा। अगर हम टेबल के अंदर डाटा में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हम अपडेट कमांड यूज करते हैं। डिलीट कमांड। डिलीट कमांड का पर्पस क्या होता है? इट इज यूज टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स। अगर मैं टेबल से सारे के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहता हूं तो मैं डिलीट कमांड यूज करूंगा। इट इज लाइक ट्रंकेट कमांड, बट वो जो है वो डीडीएल का पार्ट है। मर्ज का मतलब क्या होता है? इट परफॉर्म्स अपसेट ऑपरेशन। जैसे मैं कोई भी डाटा इंसर्ट करना है या कोई भी ऑपरेशन में अपडेशन करनी है। कॉल का मतलब क्या होता है? इट इज यूज टू कॉल ए स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज और ए जावा सब प्रोग्राम, ठीक है। एक्सप्लेन प्लान का मतलब क्या है? इट हैज द पैरामीटर ऑफ एक्सप्लेनिंग डाटा। अगर आप डाटा को एक्सप्लेन करना चाहते हो। लॉक टेबल का मतलब क्या होता है? कि आप टेबल को लॉक करना चाहते हो।
ताकि इसके अंदर कोई डुप्लीकेसी रिकॉर्ड ना आ सके। तो डाटा डीडीएल कमांड्स हो गई आपके पास, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हो गई, और थर्ड आपके पास आती है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डीसीएल कमांड आपके पास क्या होती है, डीसीएल स्टैंड्स फॉर डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, और ये हम किस लिए यूज करते हैं, इट इज यूज टू रिट्रीव द स्टोर्ड और सेव डाटा, डाटा को स्टोर करने के लिए और सेव करके रखने के लिए। इसके कौन कौन से, इट हैज रोल बैक पैरामीटर, इसमें रोल बैक पैरामीटर्स होते हैं आपके पास, ठीक है। बट ओरेकल के अंदर क्या होता है आपके पास, इन ओरेकल डाटाबेस द एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा कंट्रोल लैंग्वेज डज नॉट हैव द फीचर ऑफ रोल बैकिंग, रोलिंग बैक, बट ओरेकल डाटाबेस के अंदर रोलिंग बैक की फीचर नहीं होती, ठीक है। Here are some tasks that comes under DCL. तो DCL के अंदर कुछ आपके पास और भी टास्क आ जाते हैं, जैसे ये दोनों भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पास, ग्रांट। ग्रांट हम किस लिए यूज करते हैं, इट इज यूज टू गिव यूजर एक्सेस प्रिविलेज टू डाटाबेस। हम डाटाबेस के अंदर हम यूजर को कुछ एक्सेस देते हैं, कुछ विशेषाधिकार देते हैं कि वो डाटाबेस को यूज कर सके। रिवोक, इट इज यूज टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम द यूजर, वो यूजर से वो वापस परमिशन ले सकते हैं, ठीक है। देयर आर द फॉलोइंग ऑपरेशंस व्हिच हैव द ऑथराइजेशन ऑफ रिवोक, और कौन कौन से ऑपरेशंस रिवोक कमांड पे हम फॉलो करते हैं, कनेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, यूसेज हो गया, स्टूडेंट, एग्जीक्यूट हो गया आपके पास, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया इसके अंदर, और आपके पास इसमें डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, एंड सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ कमांड आपके पास आती है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल। तो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का पर्पस क्या होता है, टीसीएल इज यूज टू रन द चेंजेस मेड बाय द डीएमएल स्टेटमेंट। इसको भी हम, और ये कौन कौन सी दो कमांडें होती है, कमिट। कमिट का मतलब क्या होता है, अगर आप डाटाबेस के अंदर ट्रांजेक्शन को सेव करके रखना चाहते हो, और रोल बैक का मतलब क्या होता है, इट इज यूज टू रिस्टोर द डाटाबेस, अगर आप डाटाबेस को वापस रिस्टोर करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ मैंने डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस बताई। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपके पास डाटा इंडिपेंडेंस। तो स्टूडेंट, ये डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, यूजिंग द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, ऑफ बीइंग एबल टू मॉडिफाई द स्कीमा एट वन लेवल, कि आप एक लेवल के ऊपर डाटाबेस सिस्टम के स्कीमा को आप मॉडिफाई करते हो विदाउट अल्टरिंग द स्कीमा एट द नेक्स्ट हायर लेवल, बट अगले हायर लेवल को चेंज किए आप केवल फर्स्ट लेवल के ऊपर ही, अगर आप जो है डाटाबेस सिस्टम के स्कीमा को चेंज करते हो तो उसको हम बोलते हैं डाटा इंडिपेंडेंस। और ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और दूसरा होता है फिजिकल। लॉजिकल में क्या होता है आपके पास, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस रेफर्स करेक्टर्स यू बीइंग एबल टू चेंज द कंसेप्चुअल स्कीमा, कि आप कंसेप्चुअल स्कीमा को चेंज कर सकते हो बिना एक्सटर्नल स्कीमा को चेंज किए हुए, यानी कि आप इंटरनल स्ट्रक्चर को आप चेंज कर सकते हो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस के अंदर। कहता है वो कि इफ वी डू एनी चेंजेस द कंसेप्चुअल व्यू ऑफ द डाटा, कि अगर आप कंसेप्चुअल व्यू में आप कुछ भी चेंजेस करते हो देन द यूजर व्यू ऑफ द डाटा वुड नॉट बी अफेक्टेड, तो जो डाटा है यूजर का उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और फिजिकल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू चेंज द इंटरनल स्कीमा, कि आप फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस के अंदर आप क्या कर सकते हो, इंटरनल स्कीमा को आप चेंज कर सकते हो विदाउट हैविंग टू चेंज द कंसेप्चुअल स्कीमा। इफ वी डू एनी चेंजेस इन द स्टोरेज साइज ऑफ द डाटाबेस सिस्टम, अगर आप डाटाबेस के स्टोरेज साइज में कुछ भी आप चेंजेस करते हो देन द कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस विल नॉट बी अफेक्टेड, तो जिस डाटाबेस का कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस को हम किस लिए यूज करते हैं, तो यूज टू सेपरेट कंसेप्चुअल लेवल फ्रॉम द इंटरनल लेवल। तो आपके पास थ्री टाइप के लेवल होते हैं स्टूडेंट, ये डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहला ये एक्सटर्नल लेवल, ठीक है, फिर आता है आपके पास ये लॉजिकल लेवल, और फिर आता है आपके पास फिजिकल लेवल, ठीक है, जहां पे हम डाटाबेस को क्या करते हैं, इसमें स्टोर करते हैं। तो डीबीएमएस के इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आज हम इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे। आज जो मैंने आपको कंसेप्ट इसके अंदर बताया, वो मैंने कंसेप्ट आपको क्या बताया, इसमें डाटाबेस लैंग्वेजेस का, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।